अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, तो क्या हाल आप सबके। आई होप आप सब ठीक होंगे। तो आज मैं काफ़ी दिन बाद व्लॉग शूट कर रही हूँ, क्योंकि मेरा दिल नहीं कर रहा था व्लॉग भी बनाने का, और क्योंकि मुझे पता आपने सपोर्ट करना नहीं है मुझे। मैं वीडियो बना बना के मैं थक गई हूँ अब तो बिल्कुल ही, इसलिए मैंने व्लॉग बनाना छोड़ दिया से समय ने। तो आज फिर मेरा दिल किया, मैंने कहा चलें आज एक बना के देख लेते हैं क्या इसका वापसी पे आप फीडबैक देते हैं। तो अब रात हो रही है, मैंने आज बनाई है मिक्स दाल, और अब बना रही है रोटियां। आसिफ घर पर नहीं थे, घर में बहुत ज़्यादा, मैंने पंखा भी बंद किया हुआ है क्योंकि फिर शोर आता है, पंखे का आवाज़ सही नहीं आती इस वजह से। तो आपको मैं एक और शॉपिंग भी दिखानी है, मैंने कहा चले आपके साथ थोड़ी सी गपशप भी हो जाए और शॉपिंग भी आपको दिखा दूँ। तो ये देखें, ये रही हमारी मिक्स सारी दालें, जो 7 दालें बनती हैं वो मैंने बनाई हैं। तो ये रहा आटा, आटा कल मैंने गूंदा था तो अभी भी पड़ा है, तो आज ये इस्तेमाल कर रहे हैं। तो रोटी बनाते हैं। सबसे पहले तवा मैंने गर्म करने के रख दिया, आपको एक और चीज़ दिखाती हूँ। और ये देखें हमारी फ्रिज में पड़ा है बर्थडे का केक, हमारी पड़ोसन की बर्थडे है, खतीजा नाम है उसका, तो उन्होंने फ्रिज में केक रखवाने के लिए भेजा है, तो मैंने यहाँ पे रख दिया क्योंकि इसे उन्होंने लिया था 2 घंटे पहले, तो ये काफ़ी थोड़ा सा नरम हो रहा था। उन्होंने कहा ये फ्रिज में बर्फ़ वाली जगह पे रखो ताकि ये सेट हो जाए, क्योंकि थोड़ी देर बाद उन्होंने सेलिब्रेशन करना है। और ये उन्होंने फूलों के जो हाथ के गजरे होते हैं वो मंगवाए हैं, और माला मंगवाई हैं, ये भी रखे हैं यहाँ पर। और ये देखें व्यूअर्स, मैं लेकर आई थी आज परफ्यूम, बॉडी स्प्रे सॉरी, तो 3 लिए थे। एक मैं जैसे घर आई हूँ तो आसिफ की कज़न आई है वो लेकर चली गई है, तो 2 पड़े हैं। और उसके बाद लिया है मैंने ये 6 ब्रश, क्योंकि ब्रश ख़त्म हो रहे थे, क्योंकि उनके पास पड़े भी सिर्फ 6 थे और बाकी पूरा डब्बा पड़ा था, डब्बे की मेरी गुंजाइश नहीं थी, तो इसलिए मैंने फिर खुले 6 पड़े थे तो मैंने वो 6 ही ले लिए। तो ये बाकी इसके अंदर रह गए हैं, ये देखे कलर भी माशाल्लाह से इनके सबके प्यारे हैं। और ये लिया पार्ले ब्लीच, जो कि बहुत शदीद महंगी हो चुकी है, पहले ये 30 की थी, फिर उसके बाद हुई 50 की, 50 से सीधा हुई 70 रुपये की। ओहो, ये कहाँ जाए, इस पर लिखा हुआ सही नज़र नहीं आ रहा, आपको दूसरी पे दिखाती हूँ। पार्ले, इस पर भी सही नज़र नहीं आएगा, तो आप कैसे ही बता देती, ये 70 रुपये की हो चुकी है। और इसके अलावा लिया जी अपने लिए घर के लिए हेयर ब्रश, हेयर ब्रश हमारा टूट गया था, जुखरब ने उस दिन गुस्से में बैठी थी तो उसमें नीचे फेंका तोड़ दिया है। और लिया मदनी के लिए जो स्कूल के शूज़ होते हैं वो पॉलिश खत नहीं थी, तो एक पॉलिश लिया जी, देखें किंग शू शाइनर के नाम से। और ये लिए जुओं वाली कंघी, आपको पता है गर्मी आ गई हैं तो गर्मियों में लोगों के सरों में आएगा पसीना, पसीने की वजह से पड़ेंगी जुएँ, तो इसलिए मैं एडवांस कंघियाँ ले आई हूँ, मैंने कहा और लोग परेशान ना हो। और कुछ मेहंदियाँ लेकर आई थी मैं पिछले दिनों में, जो कि ख़राब थी, उनका कलर नहीं था, तो ये चेंज करवा के ये उसके बदले में लिए, मतलब ये न्यू नहीं ली। और ये लिए अल जन्नत के नाम से मेहंदी, क्योंकि आपको पता है गर्मियों में हर कोई बालों में मेहंदी लगाता है ताकि हमारा सर ठंडा हो जाए, हालांकि गुस्से की वजह से पहले भी उनका सर बड़ा तपा हुआ होता है, गर्म होता है, तो उसे सुकून में लाने के लिए वो मेहंदी लगाते हैं। तो ये तो हो गई ना मेरी छोटी सी शॉपिंग, तो आई होप आपने देख भी ली होगी। और तो व्यूअर्स, रात का टाइम मैं इतनी ही वीडियो बना पाई हूँ, तो आई होप आपको अच्छी लगी होगी, अच्छी लगे तो प्लीज़ खुदा के लिए मुझे सपोर्ट करें। तो इसी के साथ वीडियो एंड करते हैं और मिलेंगे इंशाल्लाह नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। कभी कभार व्लॉग बनाऊँगी, ज़्यादा नहीं बनाऊँगी क्योंकि अब नहीं दिल करता, तो अल्लाह हाफिज़।